हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बुबलू लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर। तो आज हम लोग मार्केट जा रहे थे, तो ये एटीएम से पैसे वगैरह निकालने के लिए, एटीएम में किसी भी एटीएम में पैसे वगैरह नहीं है, तो हम लोग फिर वहाँ से मतलब मेन मार्केट से होते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो यहाँ पे भी अभी प्रॉब्लम आ रही है पैसे निकालने में, पता नहीं क्या हो रहा है, इतना टाइम लग रहा है उसमें। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर आ सकते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे जो मुझे फ्लावर दिख रहे हैं, ये मैं सोच रही थी कि ये रियल के हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल लीव्स वगैरह लगी हुई हैं इसमें, और ये पूरा पाइप जैसा बना हुआ है। और ये आप लोग देख रहे हैं कि ये शिवम प्रदेश है, अंदर जाके बहुत बड़ा होटल टाइप का बना हुआ है, और ऊपर भी दिखा दे। तो अभी मार्केट के लिए हम लोग निकल चुके हैं, और आज हम लोग सामान लेने के लिए जा रहे हैं भाई की मेहंदी के लिए, क्योंकि बहनों को मेहंदी करनी होती है शादी में, तो इसलिए बस वही सामान हम लोग लेने जा रहे हैं, और देखते हैं क्या क्या मिलता है। और मुझे नहीं पता कि क्या क्या दिया जाता है, तो बस वही सारी चीज़ें पूछ पूछ कर मैं मम्मी से ख़रीदूँगी यहाँ पर। तो हम लोग बस मार्केट में आ चुके हैं, और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, बता रही हूँ कि हम लोग मार्केट में आ गए हैं। पहले हम लोग वहाँ पे गए थे, और उसके बाद में अब देखते हैं भाई की मेहंदी के लिए क्या क्या ख़रीदते हैं, यहाँ से क्या क्या मिल पाता है। तो हम लोगों ने कुछ एक दो आइटम्स सोचे हैं, अभी मम्मी से पूछे थे मैंने कि क्या क्या चाहिए होता है, तो वो आज कटारी वगैरह का जो भी सामान होता है, बटुए वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे यहाँ पर अभी। तो बस चलिए अब चलते हैं, और देख लेते हैं जो भी सामान मिलेगा वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे आगे चल के इंशाल्लाह। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब एक शॉप पर, जहाँ पे ये दूल्हे के लिए या फिर मतलब जो भी शादी का सामान होता है, सारा सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, जो भी माला वगैरह होती हैं, या फिर बटुए वगैरह होते हैं, या फिर वो क्या बोलना जाता है इसको, सहरा नहीं सॉरी मखना वगैरह जो होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो बस वहीं पे मैं निकलवा रही हूँ, और देख रही हूँ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, और साथ में ही हम लोग यहाँ पे से बटुए वगैरह भी लेंगे, और तलवार भी लेंगे यहाँ से, तो क्योंकि इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, पगड़ी वगैरह भी यहाँ पे मिल जाती हैं इनके पास। तो बस यहाँ पे अभी तलवार देख रहे हैं, तो ये जो तलवार है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसका जो डिज़ाइन है वो सिल्वर सॉरी गोल्डन कलर में है, पूरा इसका वर्क दिया हुआ है। तो हम लोगों ने तलवार वहाँ से ले लिए हैं, और अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे बटुए। तो मैं मम्मी से पूछ रही थी कि कटारी के साथ में चलते हैं कितने बटुए वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज़ें पूछ रही थी, तो लेकिन मम्मी फिर बोल रही थी कि बॉबी भाई तो मना कर रहे हैं कि कटारी वगैरह उनको नहीं लेनी है, उनको मन था कि वो तलवार ले, ये बटुए वगैरह नहीं लेंगे। तो फिर वीडियो कॉल से बात हो गई थी, भाई ने मना कर दिया था, तो इसलिए फिर नहीं लिए यहाँ से। वैसे मैं सोच रही थी कि शायद चलते हैं ये चीज़, क्योंकि मुझे इतनी सारी नॉलेज नहीं है कि क्या क्या होता है शादी में, और क्या क्या चीज़ें लाई जाती हैं मेहंदी में, बहनों की तरफ से क्या होता है भाई के लिए गिफ्ट, तो ये कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है। तो बस मम्मी से पूछ पूछ कर मैं करती जा रही हूँ, लेकिन फिर मम्मी ने भाई से पूछा तो वो मना कर रहे थे कि नहीं मुझे बटुए वगैरह नहीं लेना है, कटारी मुझे नहीं लेनी है, क्योंकि वो ही नहीं लेता है फिर ये सारी चीज़ें। और अभी तो क्या है ना कि नया मतलब जनरेशन के हिसाब से सारा सब कुछ चेंज होता जाता है, कि पहले ज़माने में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती थी,
मतलब कि कुछ रस्म व रिवाज भी होते थे, तो अब इतना ज़्यादा कोई रस्म व रिवाज का वो नहीं है, सिर्फ निकाह ही ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे वो बटुए वगैरह हम लोगों ने रहने दिए, और यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं मकना। तो मकना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दूल्हे के लिए, तो बस यहाँ से वही देख रहे हैं। और काफ़ी सारी वैरायटी इन्होंने मुझे दिखाई, लेकिन मुझे बहुत ही कम ही से यहाँ पे पसंद आए मकने, क्योंकि ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन वाले पसंद मतलब थे ही नहीं इनके पास। सितारा वर्क वगैरह ऐसे ही थे। तो फिर हम लोगों को यहाँ पे ये एक मकना पसंद आ गया था, तो फिर यहाँ से हम लोगों ने ले लिया है। और भी उन्होंने काफ़ी सारे मकने दिखाए, लेकिन मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे कि दुल्हन को उड़ाए जाते हैं ना, उस टाइप के मकने लग रहे थे। बहुत ज़्यादा वर्क वाले थे, कढ़ाई वाले थे, लेस वेस लगी हुई थी, लटकन जसकन जैसे, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। मैं सोच रही कि शायद ये तो दुल्हन जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल मतलब लग ही नहीं रहे कि ये मकने हैं। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से एक पसंद कर लिया था, और उसके बाद में इसको अभी हम पैक कराएंगे। और तलवार भी ले लिया यहाँ से, तो बस यहाँ पे मैं बॉय भाई को पसंद करा रही थी कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे तो ये गोल्डन वाली ही बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो भाई ने भी बोल दिया कि हाँ गोल्डन वाली ले लो, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो बस इसको भी हम करवा लेते हैं पैक, और फिर देखते हैं और क्या मिलता है यहाँ पर मार्केट में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जाती हैं भाई के लिए, बहन की तरफ से होती हैं, मेहंदी की रस्म में दी जाती हैं। तो वही बस अभी हम लोग इसको पैक करवा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी है ये तलवार, तो अच्छी नहीं लगेगी ऐसे ही पकड़े हुए। तो इसलिए हम लोग रैप करवा लेंगे इसको न्यूज़पेपर से, तो ठीक लगेगी। और यहाँ पे अभी मैं देख रही हूँ कि इसका जो काम है, जरी वर्क वगैरह है, वो पूरा अच्छे से दिया हुआ है या नहीं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा होता है ना, कुंदन वगैरह निकल जाते हैं, लैस वगैरह निकल जाती हैं, तो इसलिए बस वही देख रही हूँ मैं सही है या नहीं है ये, लेकिन सही थी। तो ये वाली जो तलवार होती है वो आर्टिफिशियली रहती हैं, इसमें कोई भी धार वगैरह नहीं रहती है तलवार में, तो ये शो के लिए अच्छी लगती हैं। मतलब दूल्हा वगैरह अगर इसको पकड़ते हैं ना, तो हाथ में बहुत अच्छी लगती हैं, राजा महाराजा जैसे। तो इसलिए हम लोगों ने तलवार का सोचा, और कटारी वगैरह की भैया मना कर रहे थे, तो इसलिए नहीं ली है। वैसे दूल्हे के लिए वही चलती हैं। तो बस यहाँ पे से हम लोगों ने ले लिया, और यहाँ पे शिपरी में ही लगा हुआ है दिल्ली बाज़ार, तो हम लोग बस वहाँ पे आ गए हैं और देख रहे हैं। कुछ पसंद आ जाता है तो ठीक है, वरना तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे सारे मेकअप प्रोडक्ट वगैरह रखे हुए थे, और ये सारे लोकल ही थे, मतलब कोई भी कंपनी वाले नहीं थे। तो बस मैं देख ही रही थी कि शायद कुछ अच्छा सा दिख जाए मुझे इसके अलावा भी। यहाँ पे ये जूतियाँ वगैरह रखी हुई हैं, और स्लीपर्स वगैरह रखी हुई हैं, तो मैंने यहाँ से अपने लिए देखी हुई थी कुछ इस टाइप की। ये अंगूठे वाली जो चप्पल होती है ना, ये इस टाइप की मैंने देखी थी, मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन इसमें साइज नहीं था, फिर इसलिए नहीं ली। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो बाज़ार लगा हुआ होता है उसमें सारे लोकल माल ही मिले, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। और मैं इनको बता रही थी ये वाली जूती देखो, ये जूती मैंने ना अमेजोन पर देखी थी, तो ये सेम वैसी ही जूतियां हैं। तो अभी मैं एक चप्पल पहन के भी देखूंगी कि मेरे पैर में कैसी लग रही है, लेकिन इसका साइज ही नहीं था, और वो अच्छी भी नहीं लग रही थी मुझे। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं मेरे लिए कपड़े देखने के लिए, तो बस यहाँ से वही देख रही हूँ। और अभी जो है कि
मतलब कोई भी नया माल नहीं आया, सारा सब कुछ ये पुराना ही रखा हुआ है, और जो कि हम लोग काफ़ी टाइम पहले ही देख कर गए थे। तो एक दो पीस इन्होंने ठीक ठाक दिखाए मुझे, लेकिन फिर मुझे ठीक नहीं लगे, लेकिन बहुत ही सिंपल सिंपल से ही थे। मतलब मैं ये सोच रही थी कि रिसेप्शन के पर्पज़ से मुझे कुछ मिल जाए यहाँ पे मेरे लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला। फिर मतलब जहाँ पे भी जाओ हम लोग सोचते हैं कि कुछ नया मिल जाए हमें तो, लेकिन बस यही सबसे पहले दिखाई जाती हैं गाउन वगैरह। तो ये मुझे लेनी ही नहीं थी, मैं भैया से मना करती थी गाउन मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास काफ़ी सारी गाउन रखी हुई हैं और गाउन मुझे नहीं पहनना है। तो मैं कुछ सोच रही थी कुछ अलग सा पैटर्न में कुछ मिल जाए मुझे, जैसे इंडो वेस्टर्न टाइप में या फिर गरारा शरारा में, तो लेकिन इनके पास कुछ था ही नहीं गरारा टाइप में या शरारा टाइप में कुछ भी नहीं था, तो बस गाउन वगैरह ही दिखा रहे थे। तो मैं इनसे मना करी थी भैया आप रहने दो, मुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं इस टाइप के ड्रेसेस वगैरह। तो वो बोले थे एक बार देख लो कि आपको शायद पसंद आ जाए इसमें से कोई ड्रेस, आप देख लो। तो यहाँ पे ये जो गाउन था ये मुझे पसंद तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये फिर ये बोलने लगे कि लगा के देख लो ऐसे ही कैसा लग रहा है, मुझे तो दिखा दो लगा के। तो फिर बस मैंने इनको ही दिखाया था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था गाउन वगैरह, मुझे लेने ही नहीं थे। और वन पीस में भी भैया दिखा रहे थे, तो ये चीज़ भी मुझे नहीं लेनी थी, क्योंकि वन पीस तो हम पहन ही नहीं सकते, इसमें स्लीव्स वगैरह नहीं होती हैं, साथ में चुन्नी नहीं होती हैं, लेगिंग वगैरह नहीं होती हैं, वो हमें अलग से ही मिलवानी होती हैं। लेकिन फिर भी मुझे ये पसंद ही नहीं आ रहे थे, मुझे इस टाइप की चीज़ लेनी ही नहीं थी। मैं इनसे बोल रही थी बहुत ज़्यादा कि मुझे नहीं लेना है, मुझे गरारा या शरारा में ही लेना है। और एक ड्रेस ये थी इंडो वेस्टर्न में थी, इसके साथ में शिरक भी था, बहुत ही मतलब ये ड्रेस थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक लगा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसके साथ में मुझे इसका कलर थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा था। इसके साथ में एक स्कर्ट और इसकी चोली भी है, और ऊपर से ये श्रग था, पूरा लॉन्ग वाला श्रग था। ये ड्रेस थोड़ी ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन इसमें कलर कॉम्बिनेशन कोई नहीं था, वन मतलब सिंगल पीस ही था ये। तो अभी हम लोग मार्केट से आ गए हैं घर पे, मुझे अपने लिए ड्रेस तो कुछ पसंद नहीं आई, और बस यहाँ पे अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे बबल्स वगैरह फुला रही हूँ मैं बच्चों के लिए, बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं साथ में और फोड़ रहे हैं कि चाची आप फुलाओ हम फोड़ेंगे इनको। तो ये है नेक्स्ट डे, यहाँ पे चल रहा है इनाया का मेकअप,
और मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा टचअप किया था, तो इनाया ने मुझसे ये कॉम्पैक्ट पाउडर छीन लिया है और अभी उसका मेकअप शुरू हो गया है। मुझे बोल रही कि चाची मैं आपके लगाऊंगी, और यहाँ पे अभी खुद भी लगा रही है साथ साथ में। हमारे लगा दो, इन्हें यहाँ पे लगा दो। तो मुझे बनानी थी वीडियो, तो मैंने उसको अपना जो बास्केट उसको ज़्यादातर पसंद आती है वही वाली बास्केट मैंने उठाकर दे दी, और वो चाचू के साथ में अभी कर रही है मस्ती, चाचू की गोद में बैठ रही है और कभी उनके साथ में खेल रही है। उनको भी कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया, उनका भी मेकअप किया है उसने। आगे आप लोग देखना कि उनको किस तरह से मेकअप किया अपने चाचू का उसने। तो यहाँ पे से उसने उठाया मेकअप ब्रश और यहाँ पे पूरा लगा दिया है हेयर बेल्ट वगैरह चाचू के, और अभी मेकअप शुरू हो जाता है चाचू का। ये देखो, और बार बार से बोलती है टाटू टाटू मेकअप टाटू मेकअप। अभी भी हमारे पास में ही खेल रही है नाया, तो उसकी आवाज़ आप लोगों को आ सकती है। और यहाँ पे अभी नेल कटर मिल गया उसको, तो चाचू के अभी नेल्स कट भी करेंगी वो, मतलब चाचू को एकदम पूरा अच्छे से तैयार करेंगे। और उसने लगाया था साथ में काजल। तो हेलो, चाची के नाखून काटे जा रहे हैं अभी। अब उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो ये है शाम का टाइम, अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, समथिंग कुछ 4 या 5 बज रहे हैं, और हम लोग सुबह से बाहर नहीं निकले थे, तो इसलिए हम लोग बालकनी में यहाँ पे खड़े हो गए हैं, और धूप बहुत ज़्यादा था, हम लोग बस यही देख रहे हैं दोनों। तो यहाँ पे ये एप्पल्स रखे हुए हैं, इनको मैं ढक देती हूँ। और आज मैंने शाम के नाश्ते में बनाए थे अप्पम, और उसके साथ में बनाई थी चटनी, तो ये हम लोग इंजॉय करेंगे। थोड़े से ही बनाए थे, और आप लोगों को पता है कि शाम के टाइम में हम लोग थोड़ा बहुत बना लेते हैं बच्चों के लिए भी और हम लोग अपने लिए भी थोड़ा बहुत। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से अपने एक नए और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपनों को प्यार दीजिए।